हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर निकिता और आज मेरे साथ है बहुत ही प्रख्यात फेमस सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रथमेश जैन सर, जिनसे हम बात करेंगे एक रोटेटर कफ टेयर के बारे में, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पर लोगों को ये प्रॉब्लम है उसके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता। सिर्फ कंधे में दर्द रहता है पर जब वो जाता है तब पता लगता है कि वो रोटेटर कफ इंजरी है। तो आज हम इस इंजरी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सर से मेरा पहला सवाल यही है कि सर आप मुझे पहले ये बताइए कि रोटेटर कफ क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता है रोटेटर कफ क्या है। देखिए, ये जो रोटेटर कफ है ये कंधे के अंदर का सबसे महत्वपूर्ण संरचना है जी। आपके कंधे के अंदर चार ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो कंधे को मूवमेंट देती हैं जी। इन जो मांसपेशियों का समूह होता है उसको हम रोटेटर कफ बोलते हैं जी। यह चार मांसपेशियां सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस और टीरीस माइनर। यह मांसपेशियां कंधे को मूवमेंट देती हैं। अगर आप कंधा ऊपर ले जा रहे हैं, साइड में ले जा रहे हैं, बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, तो यह मूवमेंट देती हैं, कंधे को स्टेबिलिटी देती हैं और स्ट्रेंथ देती हैं जी। यह कंधे के सबसे महत्वपूर्ण लेयर है। पर अनफॉर्चुनेटली यह ऐसी इंजरी भी है वो जो सबसे ज्यादा पाई जाती है और दूसरी यह ऐसी इंजरी भी जो सबसे ज्यादा निग्लेक्ट की जाती है। इसका ट्रीटमेंट में काफी निग्लेक्ट हमने देखा है मरीजों की तरफ से ज्यादातर जी। तो सर इसमें इंजरी जो होती है रोटेटर कफ में, मतलब चोट जो लगती है वो मतलब सारे जो चार जो आपने मसल्स बताए तो सारे मसल्स में लगती है कि एक में लगती है, वो कैसा आप थोड़ा एलाबोरेट करिए। आमतौर पे रोटेटर कफ इंजरी एक ऐसी चोट है जो 40 से 50 वर्ष के बाद हो सकती है। चोट लगने के कारण, गिरने के कारण, वजन आने के कारण यह तकलीफ पाई जा सकती है। आमतौर पे यह तकलीफ हाथ के बल गिरने के कारण होती है जी। यह तकलीफ अलग अलग ग्रेड्स में हो सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक स्नायु फट गया, कई बार ऐसा होता है कि आधा स्नायु फट गया जी। कई बार ऐसा होता है कि दो फट गए, कई बार तीन फट गए, कई बार हमने देखा है कि बहुत मैसिव टेयर होता है, बहुत खराब तरीके से अंदर के स्नायु फट गए। तो ये एक ऐसी चीज है जो अलग अलग डायमेंशन में हो सकती है, अलग अलग साइज की हो सकती है। तो रोटेटर कफ टेयर डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। रोटेटर कफ इंजरी अलग अलग जो है डायमेंशंस की हो सकती है जी। यह इंजरी आमतौर पे बहुत ही कॉमन इंजरी है। कई बार हमको ऐसा भी पता मिलता है कि चोट की हिस्ट्री याद ही नहीं होती, मरीज को पता ही नहीं होता है कि चोट कब लगी है, पर जब हम टेस्ट कराते हैं, एमआरआई कराते हैं तो अंदर की स्नायु फट जाती है जी। इसमें खास तौर पे हमने ये देखा है कि कंधे का मूवमेंट, मतलब हाथ ऊपर ले जाने की क्षमता जो है मरीज की जी, वह कम हो जाती है, दर्द होता है और कंधा जाम जैसा महसूस होता है। ये जाम नहीं होता है पर जाम जैसा महसूस होता है। तो कई बार इसको फ्रोजन शोल्डर के साथ भी कंफ्यूज किया जाता है जी। सर इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, मतलब जैसे खाली चोट मतलब गिर जाने से ही होता है कि और भी कोई रीजन हो सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया सबसे महत्वपूर्ण रीजन है कि आप हाथ के बल गिर गए जी। दूसरा, आपने कोई भारी वजन उठा लिया जी, कंधे पे किसी तरह का लोड आ गया है, जर्क आ गया, कई आप भारी वजन उठा रहे हैं वो छूट गया हाथ से, तो ये सारे तरह के चोटें हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया आपका, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, तो यह सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें ये हो सकता है। और कई बार जैसे मैंने बताया कि कई बार याद भी रहता है, छोटी 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 चोट है, जैसे कोई लेबर वर्कर है और वो लगातार हथौड़ा पीट रहा है, तो वो मूवमेंट से भी कंधे की स्नायु फट सकती है लगातार एक ही मूवमेंट बार बार करने से। और स्पोर्ट्स इंजरी से, स्पोर्ट्स इंजरी में डेफिनेटली हो सकता है। तो हमने कई बार स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स देते हैं जिनके अंदर रोटेटर कफ टेंडन टेयर मिलता है, तो वो भी हो सकता है। और साथ ही साथ में अगर आपको डायबिटीज, थायराइड या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो अंदर की स्नायु जो है वो अंदर से वीक हो जाती है। तो कई बार ऐसी बीमारियां अगर आपको हैं तो आपको जो है रोटेटर कफ टेंडन टेयर होने का या रोटेटर कफ इंजरी होने का जो रिस्क है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा जी। तो सर आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा जो कौन सी एज ग्रुप वाले लोग आते हैं, यंग जनरेशन? आमतौर पर 40 वर्ष से ऊपर हमने ज्यादा देखे हैं जी। और उम्र के साथ साथ स्नायु फटने का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि स्नायु का जो टेंडेंसी, स्नायु का जो सब्सटेंस है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो उम्र के साथ साथ आपकी जो स्नायु है वो धीरे धीरे कमजोर हो सकती है, तो ज्यादा एज में टेयर होने की संभावना ज्यादा देखने को मिलती है। तो 40 से ऊपर हो सकता है, 50 के ऊपर हो सकता है, 60 के ऊपर, 70 के ऊपर ज्यादा रिस्क हो जाता है स्नायु फटने का जी। सर इसमें मेल फीमेल में क्या मेल अफेक्ट ज्यादा है? आमतौर पर हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि लेडीज में यह तकलीफ ज्यादा देखने को मिल रही है जी। और सर इसका कोई जेनेटिक रिलेशन है क्या, जैसे हम आपके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है तो हाँ, बच्चे मतलब जो आपके कोलेजन का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ी हद तक अनुवांशिक होता है जी। तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि अगर आपके पेरेंट्स में ये तकलीफ हुई तो बच्चों में भी तकलीफ हो सकती है जी।
सर मुझे एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे कुछ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन यानी जो लोग जिस पर्टिकुलर का काम करते हैं वो लोग भी इस इंजरी से ज़्यादा अफेक्टेड है, तो जैसे कौन सा ऑक्यूपेशन हाई रिस्क? डेफिनेटली अगर आपका लेबर जॉब है, हैवी जॉब है, भारी वजन उठाने का काम है, भारी लोड उठाने का काम है जी। आप प्लम्बर हैं या आप कोई लोहे का काम कर रहे हैं, तो उस तरह के जो वो होते हैं ऑक्यूपेशन होते हैं उसमें इस तरह की इंजरी का रिस्क ज़्यादा रहता है। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जर्क की इंजरी है, जर्क लग गया है तो उसके कारण हो ही सकता है, परंतु अगर आप हैवी वर्क कर रहे हैं, हैवी वर्कर हैं, तो ये तकलीफ होने की जो चांस है, जो रिस्क है, वो थोड़ा बढ़ जाता है जी। और सर सपोज ये इंजरी हुई है तो पेशेंट को क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं उसके? कंधे में दर्द जी, कंधे का हाथ ऊपर ले जाने में सक्षम नहीं हो पाना, कंधे में परेशानी रहना, अंदर अंदर दर्द करना, रात में नींद नहीं आना जी, अपने आप से हाथ ऊपर ले जाने में सक्षम नहीं होना, कोई चीज का हाथ से गिर जाना, यह सारा इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। रात में नींद ना आना एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर आपके कंधे में दर्द है जिसके कारण से आप रात में सो नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे काफी हाई चांसेस हैं कि आपके कंधे के अंदर रोटेटर कफ में टेयर होगा जी। और सर जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो जनरली वो कौन से स्टेज में आते हैं? मतलब अर्ली स्टेज में तो लोगों को शायद पता भी नहीं लगता होगा, तो आपके पास मतलब उनका तो ट्रीटमेंट हो जाता है, परंतु जो पेशेंट लेट पहुंचते हैं और जब टेयर बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे ये समय के साथ बढ़ सकता है, तो हमें ट्रीटमेंट थोड़ा सा उन लोगों का करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब स्नायु इतना खराब तरीके से ज्यादा फट जाता है तो उसका जो ट्रीटमेंट करना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स आप इस बात को ध्यान रखिए, अगर किसी को भी कंधे की प्रॉब्लम है तो आप तुरंत उसकी जांच करवाइए, क्योंकि वो रोटेटर कफ इंजरी भी हो सकती है। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि सर जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन करके कंफर्म करते हैं? देखिए कभी भी अगर हमको मन में डाउट है कि कंधे के अंदर का स्नायु जिसको रोटेटर कफ बोलते हैं वो फट गया है या टूट गया है जी, तो ऐसे कंडीशन में MRI स्कैन, कंधे का जो MRI स्कैन है वो सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है जो आपको समय पर करानी चाहिए जी। कंधे के MRI में हम छोटी से छोटी इंजरी को पिकअप कर सकते हैं, और अगर इंजरी बहुत बड़ी है तो भी उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कितना चोट अंदर है और क्या यह चोट हम दूरबीन के द्वारा या फिर आर्थोस्कोपिक के द्वारा हम रिपेयर कर पाएंगे अथवा तो नहीं रिपेयर कर पाएंगे। तो MRI जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है, और जिन भी मरीजों को ये डाउट है, जिनको कंधे का दर्द लंबे समय से है, जिनको हाथ में कमजोरी है, हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है, उन मरीजों को आइडियली कंधे का MRI स्कैन जो है वो करवा लेना चाहिए जी। सर आपका इसमें ट्रीटमेंट अप्रोच क्या रहेगा अगर आपको कंफर्म हो गया कि ये रोटेटर कफ इंजरी है? हाँ, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि रोटेटर कफ जो है एक स्पेक्ट्रम है जी। हमारे पास कई बार बहुत छोटे छोटे टेयर भी आते हैं और कई बार बहुत बड़े टेयर भी आते हैं, तो अगर बहुत छोटे टेयर हैं जिनको हम पार्शियल टेयर बोलते हैं, तो उन कुछ मरीजों में हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस का कोर्स दे सकते हैं जी। कुछ हम दवाइयां दे सकते हैं जिससे हीलिंग बढ़े, थोड़ा रेस्ट देते हैं मरीज को, उसके बाद थोड़ी कसरत के लिए फिजियोथेरेपी के लिए बोलते हैं जी। अगर टेयर बड़ा है, टेयर अगर 50% से ज्यादा है, पार्शियल टेयर है या फिर कंप्लीट टेयर है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में इसमें दूरबीन की सर्जरी, जिसको आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर की सर्जरी बोलते हैं, वह करना बेस्ट रहता है। इन कंडीशंस में दूरबीन के माध्यम से जो स्नायु अपनी जगह से फट गया है उसको हम अपनी जगह पे लाके मल्टीपल एंकर्स डाल के, काफी सारे अलग अलग एंकर डाल के उनको अपनी जगह पे बांध देते हैं, तो जहां से स्नायु अपनी जगह से उखड़ गया था वहीं पे वो स्नायु अपनी जगह पे हम बैठा के उसको टाई करके बांध देते हैं, जिससे जो ताकत कम हो गई थी वह ताकत भी आ जाती है और जो दर्द आपका था वो दर्द भी निकल जाता है। तो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी अधिकांश केसेस में इस तकलीफ के लिए सबसे अच्छा टेक्निक होता है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज हमारे पास बहुत ज्यादा लेट आते हैं, तो उस सिनेरियो में अगर रिपेयर संभव नहीं हो पाता है, बहुत बड़ा टेयर हो जाता है, जिसको हमारी भाषा में रोटेटर कफ टेयर आर्थ्रोपैथी भी बोलते हैं, तो उस सर्कमस्टांसेस में, उन कंडीशन में हमें शोल्डर जॉइंट का रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसको रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट बोलते हैं, वह भी करने की आवश्यकता कुछ मरीजों में पड़ सकती है जी। सर तो सर्जरी हो गई, उसके बाद का क्या रहता है उसमें? मतलब प्रिकॉशंस क्या रखने हैं? फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी होती है या नहीं होती, कैसा रहता है? देखिए सर्जरी के बाद जो है आपको हम एक जो है जो ऑपरेशन के बाद क्या फिजियोथेरेपी करनी है वो हम समझाते हैं।
हम आमतौर पर रिकमेंड करते हैं कि हम एक जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट है उसके साथ टच में रहें। अगर छोटा टेयर है तो कम टाइम का आपको मोबिलाइज करते हैं, अगर बड़ा टेयर है तो ज़्यादा टाइम के लिए आपको जो हाथ है वो झोली में रखना पड़ता है। उसके बाद हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कराते हैं, उस एक्सरसाइज में पहले हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराते हैं, फिर थेरापेंट्स वगैरह के साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं। तो ये एक स्पेक्ट्रम रहता है, कई बार मरीज को नॉर्मल होने में 4 से 6 महीने का, कई बार 8 महीने का समय भी लग सकता है पूरा मूवमेंट आने में, काम करने में। पर अमूमन हमने देखा है कि 2 से 4 हफ्ते में वो अपना घर का काम वगैरह करना शुरू कर सकता है। जी तो सर ऐसा है, इसमें ऐसा है कि जैसे यंग पेशेंट है मतलब 30-40 का और कोई 50 इयर्स का, तो उसमें रिकवरी में कोई मतलब रिकवरी आमतौर पे यंग पेशेंट्स में बेहतर होती है, परंतु ऐसा नहीं है कि उम्र अधिक उम्र में रिकवरी नहीं हो सकती है। ऐसी गलत धारणाएं लोगों के मन में होती है कि 70 वर्ष की उम्र है तो ये रोटेटर कफ रिपेयर नहीं हो सकता या इसको रिपेयर करने को फायदा नहीं, ऐसा नहीं है। हमने यह सर्जरी 70 और 80 वर्ष की उम्र तक भी करी है और वहाँ पर भी इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं, जो हमारा जो स्नायु है उसको हम रिपेयर करने में सक्षम हो पाते हैं। जी सर, ये मतलब जो रोटेटर कफ टेयर हुआ है और जो भी रिहैबिलिटेशन सब हो गया, उसके बाद क्या लोगों में मतलब लोगों के मन में से धारणा है कि उनमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा है क्या कुछ? देखिए, यह जो हम सर्जरी करते हैं ये अर्थराइटिस को बचाने के लिए की जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि कई मरीज हमारे पास बहुत लेट आते हैं जी, तो अगर आपको रोटेटर कफ टेंडन टेयर हो गया और आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, उसका इलाज नहीं लिया, उसका रिपेयर सर्जरी नहीं करवाया जी, तो यह टेयर धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद कंधे के अंदर घिसारा होने लग जाता है जी, जिसको हमारी भाषा में रोटेटर कफ टेयर आर्थ्रोपैथी बोलते हैं। यह तकलीफ जब भी आपको होगी तब आपको नॉर्मल रिपेयर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उस सिनेरियो में कंधा बदलना पड़ेगा। तो अगर हम जो दूरबीन से आर्थोस्कोपिक रिपेयर सर्जरी करते हैं उसका पर्पज ही यही है कि शोल्डर जॉइंट का रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं हो और जो आर्थोपैथी है वो नहीं हो, मतलब कंधे के अंदर घिसारा नहीं बढ़े, यह हमारा उद्देश्य है जब हम ये सर्जरी करते हैं उस पर। जी सर, पेशेंट जो है वो 2-व्हीलर ड्राइविंग या 4-व्हीलर कब से ड्राइव कर सकते हैं? आमतौर पर सर्जरी के बाद 2 से 3 महीने के उपरांत वो जो है 2-व्हीलर स्टार्ट कर सकता है और करीबन 4-व्हीलर स्टार्ट कर सकता है और 3 महीने के बाद वो 2-व्हीलर स्टार्ट कर सकता है जी। और अगर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हो सर तो वो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने के बाद स्पोर्ट्स हम खेलना शुरू करा सकते हैं जी। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि सर हम इस इंजरी से कैसे बच सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर आप रूटीनली प्रैक्टिस में नहीं है तो थ्रोइंग एक्टिविटी कम करें, कंधे पे किसी तरह का जर्क नहीं है, लोड नहीं है उसका ध्यान रखें, कोई भारी वजन नहीं लिफ्ट करें। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उसके पहले आपको थोड़ा सा वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको रेगुलर करते रहना है, और अगर आपको कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, तो उसके लेवल को कंट्रोल में रखें। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो यह इंजरी होने से बचा जा सकता है। सर, इसके री इंजरी के कोई चांसेस हैं? हाँ, अगर हमने सर्जरी करी है उसके बाद वापस से इंजरी हो गई आपको, तो जो स्नायु हमने रिपेयर करी है वो फट सकती है, परंतु ये चांस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, करीबन 1 से 2% केसेस में ऐसा हो सकता है जी। थैंक यू सो मच सर फॉर अ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन एंड फीडबैक। सो व्यूअर्स, आपको कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसको ज़रूर कंसिडर करके आंसर करेंगे। और जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ आप ध्यान रखिए, स्पेशली शोल्डर पेन वाला प्लीज़ अपनी जाँच करा दीजिए, वो रोटेटर कफ इंजरी भी हो सकती है। तो अगर आप कोई तो ये वीडियो शेयर करिएगा जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू सर।